माई डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास टू इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 9 एडजेक्टिव द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सबसे पहले यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो वर्ड्स हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एनिमल, एनिमल हमारा नाउन है तो इसकी क्या विशेषता है? वो टाइनी है, छोटा है। यहाँ देखिए, गर्ल हमारी नाउन है, नाउन की क्या विशेषता है? वो फैट है, तो फैट हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ देखिए, जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, नेक इसकी नाउन है और नेक की क्या खास बात है? वो लॉन्ग है, तो लॉन्ग हमारा यहाँ एडजेक्टिव है। पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेज एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइड अगेंस्ट देम। ऑल्सो राइट नाउन्स एंड दे डिस्क्राइब वन हैड डन ना फॉर यू। तो यहाँ देखिए, जो हमें ये दिया गया है, यहाँ हमें एडजेक्टिव बताना है और नाउन्स बताना है। जैसे यहाँ पर रूड मैन है, तो मैन हमारा नाउन है, रूड हमारा मतलब उसकी एडजेक्टिव है। मिसिस शर्मा इज अ रूड मैन। मिसिस शर्मा एक असिस्ट आदमी है, तो आदमी की क्या विशेषता है? वो असिस्ट है, तो असिस्ट हमारा एडजेक्टिव है, मैन हमारा नाउन है। दिस इज अ स्ट्रोंगर कॉफ़ी। अब यहाँ पर ये कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रोंग है, तो यहाँ पर कॉफ़ी की क्या विशेषता है? वो स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग हमारा एडजेक्टिव है और कॉफ़ी हमारा नाउन है। दिस इज अ बिग बैलून। बिग हमारा एडजेक्टिव है और बैलून नाउन है, क्योंकि यहाँ पर बैलून की विशेषता है कि वो बिग है, तो बिग हमारा एडजेक्टिव, बैलून हमारा नाउन। वी लाइक हॉट पिज्जा। पिज्जा हमारा नाउन है, हॉट एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर वी लाइक मैं पसंद करती हूँ हॉट पिज्जा, मैं गर्म पिज्जा पसंद करती हूँ, तो यहाँ पर हॉट इसकी विशेषता है। पिज्जे की, पिज्जा की विशेषता क्या है? वो हॉट है, तो हॉट यहाँ पर एडजेक्टिव है और पिज्जा इसका नाउन है। दिस इज अ ब्लैक कैट। यह ब्लैक कैट है। ब्लैक क्या हमारी विशेषता है? कैट की, तो कैट हमारा नाउन है और ब्लैक हमारा एडजेक्टिव है। द वॉल इज रेड। जो दीवार है वो रेड है, तो यहाँ पर दीवार किसकी विशेषता बताई गई? दीवार की, तो दीवार हमारा नाउन है और वो कैसी है? रेड। रेड हमारा एडजेक्टिव है। राहुल इज अ फैट बॉय। राहुल एक मोटा आदमी है, तो बॉय, बॉय मतलब इसमें किसकी विशेषता बताई गई कि लड़का मोटा है? मोटा विशेषता है लड़के की, तो लड़का नाउन हुआ और फैट इसकी विशेषता है। रीड ईच सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट एडजेक्टिव। ओके, आई लाफ्ड अ लॉट यस्टरडे। मैं बहुत ही लाफ्ड अ लॉट यस्टरडे, मैं कल बहुत हंसा। द क्लेवर क्राउन डिड मैनी फनी ट्रिक्स। जो चलाक जोकर था उसने बहुत ही फनी ट्रिक्स की, बहुत ही फनी ट्रिक्स की उसने बहुत ही फनी काम किया, तो इसको देखकर मैं बहुत ही, कल मैं बहुत ही ज़्यादा हंसा था। आई गोट मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम माई बर्थडे फ्रॉम माई ग्रैनी। मैंने अपनी, आई गोट मैनी गिफ्ट्स, मैंने अपनी दादी से अपने बर्थडे के बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त किए। सी इज वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। माई सूज वियर टोन, मेरे सूज फट गए थे, सो आई बोथ अ न्यू पेयर ऑफ सूज, इसलिए मैंने नए सूज खरीदे। द रैबिट फेल इन टू द वाटर। रैबिट वाटर में गिर गया, पानी में गिर गया। ऑफ द एनिमल्स लाफ्ड एट द फुलिश रैबिट। सभी एनिमल्स मूर्ख खरगोश पर हंसे। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। इट इज हैवी बॉक्स, यह बहुत ही भारी बॉक्स है। एवरीबडी बायस गुड फ्रॉम डैट होटल। एवरीबडी बायस फूड, हर कोई फूड इस होटल से खरीदता है। इट इज अ गुड होटल, यह बहुत ही अच्छा होटल है। द पीपल प्रेस्ट द किंग, लोगों ने राजा की तारीफ की। द ब्रेव किंग वॉन द बैटल, जो बहादुर राजा था उसने युद्ध जीता था, इसलिए लोगों ने उसकी तारीफ की थी। द सन इज नॉट आउट टूडे, आज सन बाहर नहीं निकला। इट इज हाइडिंग बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स, यह डार्क अंधेरे बादलों के पीछे छिपा हुआ है। आज सूरज बाहर नहीं निकला क्योंकि वह डार्क क्लाउड्स के पीछे छिपा हुआ है। अ लोयन हैज अ थिक मैन, जो लोयन होता है उसकी थिक मोटी अयार होती है। एन एलिफेंट हैज बिग ईयर्स, एलिफेंट्स के बड़े कान होते हैं। अ रैनो हैज लॉन्ग नोज, रैनो की लंबी नाक होती है। अ बर्ड हैज सॉफ्ट फैदर्स, पक्षियों के फैदर्स सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। अ रैबिट हैज शॉर्ट टेल, रैबिट की छोटी पूंछ होती है। अ टॉर्टोइज हैज हार्ड सेल, इसके हार्ड सेल होते हैं, जो
कछुए के हार्ड सेल्स होते हैं। इट राइट द अपोजिट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके अपोजिट लिखना है, यहाँ हॉट डे है तो यहाँ आप कोल्ड डे लिखोगे। इट इज हॉट डे टूडे, आज का दिन गर्म है। यस्टरडे वाज कोल्ड डे, बीते हुए कल को ठंडा दे था। दिस इज रॉन्ग रोप, यह लंबी रस्सी है। आई हैव अनदर शॉर्ट रोप, मेरे पास छोटी रस्सी नहीं है। आई हैव अ शॉर्ट सिस्टर, मेरी छोटी बहन है। एंड टॉल फादर, और शॉर्ट का अपोजिट टॉल, लॉन्ग का शॉर्ट, हॉट का कोल्ड। ओके, माई फादर इज अ पोलाइट बॉय, मेरे पापा एक पोलाइट मेरे फ्रेंड इज अ पोलाइट बॉय, मेरा जो दोस्त है वो पोलाइट है। माई योर फ्रेंड इज रूड गर्ल, और तुम्हारी दोस्त रूड लड़की है। मेरा जो दोस्त है वो अच्छा लड़का है, और जो तुम्हारी फ्रेंड है वो रूड है। दिस इज एन ओल्ड मैन, यह ओल्ड मैन है। डैट इज यंग मैन, और यह यंग मैन है। ओल्ड का अपोजिट यंग, पोलाइट का रूड, शॉर्ट का टाल। ओके, हैव अ नाइस डे।